नमस्कार, आप देख रहे हैं बीआरजी न्यूज, मैं हूं चिराग मेहता। बड़ौदा शहर के मध्य में नवीनीकरण हुए सुरसागर को सैलानियों के लिए खोल दिया गया। 35 करोड़ की लागत से इसमें नवीनीकरण किया गया है, जिसकी सुविधाएं अब आम जनता ले पाएगी। बीते शिवरात्रि के दिन राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के हाथों से उद्घाटित होने वाले नवीनीकरण प्राप्त सुरसागर को आम जनता के लिए खोल दिया गया। नवीनीकरण में 35 करोड़ की लागत से सुरसागर को सजाया गया है, जिसमें वॉकिंग ट्रैक से लेकर रात में भिन्न लाइटिंग की सुविधाएं तैयार की गई है। तब आज से इन सुविधाओं का उपयोग आम जनता कर सके, इस हेतु से इसे खोल दिया गया। अभी नवीनीकरण के कई काम बाकी है, जो आने वाले दिनों में पूरे किए जाएंगे। बहरहाल, बड़ौदा के मध्य में आम जनता समेत राज्य और देश के सैलानियों के लिए सुरसागर एक पर्यटन स्थल के तौर पे बाहें फैलाए तैयार देखा जा सकता है। सुरसागर में क्लीन भी है, क्योंकि इससे पहले हम भी आए थे यहाँ पे, ऐसा क्लीन नहीं था, तो हम लोग आज आए हैं। अच्छा लगा, यहाँ फोटोस खींच के भी जाओ ये सोच के हम लोग अंदर आए। सर, ये कहाँ से हो मैडम? सिक्किम गैंगटॉक से। अच्छा, सुविधा तो ऑलरेडी उभी करी दीदी से, अपने 35 करोड़ करता वधारे खर्च करीने महानगरपालिकाए सुरसागर तळावनु जो ब्यूटिफिकेशननु काम कर्यु अने एनु लोकार्पण पण परम सद्ये मुख्यमंत्री श्री माननीय विजयभाई रूपाणीना हस्ते कर्युं छे। हवे त्यां लोको रात्रे आवे जाई शके, सवारे मॉर्निंग वॉकमां बधा आवी शके, ए माटे पण आपणे सुविधा उपलब्ध करवाना छे। लोकार्पण बाद डोनाल्ड ट्रम्पनो कार्यक्रम आवी गयो, एटले बधा अधिकारीओ अने बधा पदाधिकारीओ पण एमां व्यस्त हता, एटले हवे एक मीटिंग करीने नक्की करीने सवारे 6 થી લઈને રાતના 10 વાગ્યા સુધી પ્રજાજનો માટે સુરસાગર તળાવની અંદર જ્યાં સેલ્ફી પોઈન્ટ છે ત્યાં જઈ શકે, અને એના ફરતે જે 1 કિલોમીટર અને 1.20 કિલોમીટરનો જે ટ્રેક છે એમાં ચાલી શકે સવારે સાંજે, એ માટેની પણ વ્યવસ્થા છે। આગામી બીજા સંગીતની અને લાઇટિંગની પણ સુવિધા અમે કરવાના છીએ, એટલે એક પિકનિકનું સ્પોટ બની જાય અને બધા દર્શને પણ આવે, શિવજીની આરાધના પણ કરી શકે। આ બધા જ ઉદ્દેશ સાથે થોડા દિવસની અંદર ત્યાં સિક્યોરિટીના 6 જે ગેટ છે, એ 6 ગેટ ઉપર 3 પારીમાં આપણે ત્યાં સિક્યોરિટી માણસો મૂકીશું, અને સવારથી સાંજ સુધી લોકો ત્યાં આવીને મિજબાની કરી શકે, ફરી શકે, અને ત્યાં એક પ્રકારે પ્રવાસનું સ્થાન બને એ રીતે આરામદાયક સ્થળ તરીકે વિઝિટ લઈ શકે એવી પૂરી વ્યવસ્થા આપણે કરવાના છે। ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने आप हमें YouTube, Facebook, Instagram और Twitter पे सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो करना ना भूलें।